कि अश्लीलता से आप पावर, पैसा, गाड़ी सब कुछ पा सकते हैं। अश्लीलता से आप अच्छा करेंगे कुछ नहीं पाएंगे। खेसारी से बड़ा अश्लील कौन है? कोई है? खेसारी से बड़ा चाची के बाची सपनवा में आती है। पवन सिंह सरस्वती का वास है उनके ऊपर। क्या गाए पता है आपको? नहीं। साली जी के काट ल और भौजी के चाट ल। का चाट ल? का काट ल? आर्मी के रैली में भोजपुरी गाने बजे हैं, गलत गलत गाने बजे हैं। भोजपुरी अश्लीलता है, बॉलीवुड अश्लीलता है। अश्लीलता से ही वो मुकाम पा सकता है तो वो अश्लीलता ही करेगा ना, करेगा क्या? मैं गाना गाया हूँ, अच्छे अच्छे गाने गाया हूँ, मैं भक्ति गाने गाया हूँ, लोकगीत गाया हूँ, सब कुछ गाया हूँ, कोई मेरे पास नहीं आया। लेकिन आज एक अश्लील गाना गाने से आप इतने लोग मेरे पास आए हैं मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए कि हाँ आप कैसा गाना गा दिए। जाके बहरे बसल लागे के हुसे फसल, राजा फोनो न करे रहे ओही से सटल, कि घर में के चीजुआ से उबल सैया, हाँ हाँ उबल सैया, बकलंडी सैया लेके सुतेला साथ रंडी सैया, बकलंडी सैया लेके सुतेला साथ रंडी सैया। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जनपद में और एक अश्लील कलाकार को पकड़ के बैठे हैं यहाँ पर। भाग रहे थे, इनको पकड़ कर हम लोग बैठाए हैं क्योंकि इनके गाने कुछ सुना गया था किसी के जरिए, तो हमने सोचा कि भाई इनसे सवाल कर लिया जाए। अश्लीलता किस स्थिति में है, किस लेवल पर है, किस स्तर पर है, आप लोग जान ही रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी एक अहम रोल है अश्लीलता को बढ़ावा देने के लिए, क्यों विवेक जी? यही बात है ना? नमस्कार, देहाती न्यूज़ को देखने वाले को सभी को प्रणाम। ये अश्लीलता जैसे आप बोले हैं कि लोग सुनते हैं तभी सिंगर कोई गाता है, ठीक है, अश्लीलता नहीं, नहीं हमने ये नहीं कहा। हाँ। हमने ये कहा कि लोग कहते हैं अश्लील का विरोध करो, लेकिन अश्लील को देख रहे हैं तो अश्लील जो कर रहा है उसको लग रहा है कि यार ये तो हमको पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो वही बात हम भी कहेंगे, जनता अश्लीलता देखती है तो अश्लील सिंगर होते हैं, अश्लील गाते हैं, ठीक है। अगर अश्लील परोसा ही ना जाए, ये अगर हम गंदा चीज ना परोसे तो लोगों को मिलेगा कहाँ से, ये हमको बताइए। आप भी बताइए मुझे कि कितने साल से हम कर रहे हैं पत्रकारिता? हम तो बहुत कम समय से कर रहे हैं। बहुत कम समय से? हाँ। तब वो एक दो साल हो गया होगा। हाँ। एक दो साल हो गया। हाँ। बिल्कुल। आप कितने असली सिंगलों को बंद करवा दिए गाना? चलिए मैं बता रहा हूँ, सारे लोगों को पता होगा कि एक गोरखपुर का है जो सबसे असली हरकत करता था, आज देखने के बाद वो भागता घर छोड़कर, और उसको पता चल जाए कि देहाती क्रिएटर वाले कहीं इर्द गिर्द हैं तो देख के भागता। और उसके चैनल पर जाइए आप लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका प्रमोशन मुझे नहीं करना क्योंकि वो सुधरा है, वो छोड़ दिया, नहीं तो इतनी गंदी गंदी हरकत करता था, इतने अश्लील वीडियो बनाता था कि आज उसके चैनल पर अश्लील एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, और वो सुधर गया है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मेरे इस प्रयास से वो सुधरा, मैंने एक को सुधार दिया इतने कम समय में, मुझे अपने आप पर गर्व है। चलिए, हमको ये जानकारी हुई, खुशी हुई कि आप एक को अश्लील मुक्त कर दिए, लेकिन हम 7 साल से 8 साल से इस लाइन में हैं, हम अश्लील एक भी गाने नहीं गाए हैं। 7 सालों में मैंने कम से कम 200 गाने गाए हैं, एक भी अश्लील गाने नहीं गाए हैं। आप मेरे पास आए हैं या कोई भी पत्रकार, कोई भी नहीं आया मेरे गाने में। मैं गाना गाया हूँ, अच्छे अच्छे गाने गाया हूँ, मैं भक्ति गाने गाया हूँ, लोकगीत गाया हूँ, सब कुछ गाया हूँ, कोई मेरे पास नहीं आया। लेकिन आज एक अश्लील गाना गाने से आप इतने लोग मेरे पास आए हैं मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए कि हाँ आप कैसा गाना गा दिए, इसके पहले आप लोग क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही सवाल आपने किया, लेकिन जब कोई अच्छा करता है ना तो अच्छाई अपने आप झलक जाती है। लोग अच्छाई का विरोध नहीं करेंगे, अच्छाई को तो सारे लोग सुनेंगे, जिनको लगेगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है वो सुनेंगे खुद, उसको हमें नहीं बढ़ावा देना है, अच्छी चीज़ तो अपने आप अच्छी है। गलत जब करेंगे तब हम विरोध करेंगे। अच्छा करिए आप, सरकार अच्छा करिए, अपना बोर्ड बैनर लगवा रही है। नहीं, हमको ये बताइए कि अच्छाई कितने सालों में झलकती है, ये इसका कोई लिमिट होता है? नहीं तो लिमिट इंसान खत्म हो जाए उसी में, अच्छा करते अच्छा समाज के लिए अच्छा करे, अपने लिए कुछ कर सकता है। जब सबको पता है, हमको पता है, जो अन्य सिंगर सबको पता है कि भोजपुरी अश्लीलता है, बॉलीवुड अश्लीलता है, अश्लीलता से ही वो मुकाम पा सकता है तो वो अश्लीलता ही करेगा ना, करेगा क्या? अश्लीलता से जब उसको मुकाम मिल रहा है, अश्लीलता से जब उसको पावर पैसा सब कुछ मिल रहा है तो अश्लीलता करेगा ना। पूरे परिवार को आप अपने अश्लीलता करवाएंगे? अश्लीलता नहीं करवाएंगे आप अपने पूरे परिवार को अश्लीलता, बताइए हमको। देखिए इंसान परिवार के लिए समाज में मेरा परिवार आता है। हा? मेरा परिवार अगर अश्लीलता दिखता है तो मैं अपने परिवार को भी अश्लीलता दिखलाऊंगा। जब परिवार नहीं बनाओगे आप बनाओगे उनको, जिस तरीके से आप गा रहे हो आप गवाओगे, बताओ।
जो गाना चाहेगा आने आने वाली गाना, नहीं जो गाना चाहेगा वही गाएगा ना आप, जबरदस्ती आप गाना गाएंगे? अरे जबरदस्ती मतलब देखिए, अगर हमको फेमस होना, हमको फेमस होना, पॉपुलर होना है, तो हम थोड़ी चाहेंगे कि हम ही सिर्फ हो, हम चाहेंगे हमारी बीबी भी हो, हमारा बच्चा भी हो, हमारे पिताजी भी फेमस हो, तो करवाइए ना। मेरी बीबी हो या मेरा भाई हो या मेरा मेरी बहन हो मेरी माँ हो, जो अगर गाना चाहेगी, जो करना चाहेगा, तब ना आपसे हम कहेंगे आप अश्लीलता गाएंगे या कोई भी गाना आप गाएंगे, आप सिंगर हैं आप गाएंगे। नहीं बताइए, कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाह रहा है? आप गायक बनेंगे? आप गायक नहीं, हम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हम विरोध करते हैं। आपका क्षेत्र अलग है ना, आपका क्षेत्र सबका क्षेत्र अलग है, हमारे घर में सबका क्षेत्र अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है। नहीं बात सुनिए, अगर कह रहे हैं अश्लीलता के जरिए हम बढ़ जाएंगे, तो भैया बढ़ाओ ना, अपने परिवार को भी लाओ, सबको मिला के बढ़ाओ। हम बढ़ेंगे तो मेरा परिवार बढ़ेगा। खेसारी बढ़े हैं तो उनका परिवार बढ़ा कि नहीं? पवन बढ़े उनका परिवार बढ़ा कि नहीं? दिनेश बढ़े हैं, दिनेश आज सांसद है आजमगढ़ के। अरे सुनिए, सांसद है आजमगढ़ के, कैसे हैं सांसद? इतना समय लगा दिए वो अकेले, अगर मुझे लगता कि पूरा परिवार लगे होते तो आज तो अंबानियों के बाप बने होते। तो उनका मैं चाहता हूँ यार कम समय में बढ़ जाइए, तो उनका परिवार कम समय में बढ़िया परिवार चाहेगा। नहीं उनका परिवार चाहेगा तब ना, उनका परिवार नहीं चाहेगा ना, उनके उनके परिवार के सबका अलग अलग। भैया कौन नहीं चाहता कि हम बड़ा आदमी बन जाएं, हम पूछ रहे हैं। आप भी वही चाह रहे हैं? सबका अलग अलग वही चाह रहे हैं कि हम अश्लील गाकर जल्दी से फेमस हो जाएं। सबका हम भी भैया उसके तरह से जो अभी ले लिया फॉर्च्यूनर ले लिया। सुनिए पहले, आप सबका अलग अलग तरीका होता है, किसी को कुछ काम करना आता है, किसी कुछ, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई कुछ होता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, सब सिंगर नहीं होता, सब एक्टर नहीं होता है, ठीक है? अच्छा नहीं होता नहीं तो होता यही है। हमारा जवाब यही दे दीजिए कि अगर हमको लगता है कि हम अश्लील गाकर हम फेमस हो जाएंगे, हमारे घर भी 4 महीने में फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाएगी, तो हम पूरे परिवार को मिला लें, और हमारे घर 4 फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी हो सकती। जब हम 7 साल से साफ सुथरा गाना गाएं, जब कुछ नहीं हुआ, तो हम भी देखे सब अश्लीलता से सब कुछ हो रहा है, तो हम भी अश्लीलता देख रहे हैं कि अश्लीलता से सब कुछ हो जाता है, मेरा भी हो जाता तो मैं भी कर रहा हूँ, सब अश्लीलता से कर लिए तो हम भी सोच रहे हैं हम भी कर लें। 7 सालों से मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ करूँ अश्लीलता से ही। जब अश्लीलता से सब कुछ हो रहा है, जनता चाहती कि अश्लीलता अश्लील गाइए, आपको फॉर्च्यूनर खड़ा हो जाएगा। साफ सुथरा गाएंगे तो आपको वो साइकिल होता है वो भी नहीं आ पाएगा, तो क्या करें? साइकिल घर का रहेगा वो भी बिक जाएगा, अगर आप अश्लीलता नहीं गाएंगे। अच्छा, आप, यही आपकी मतलब भी कुछ जिम्मेदारी होती है समाज को अपने सुरक्षित रखना कि अपने समाज को गंदा कर देना, कुछ जिम्मेदारी होती है? इंसान हो यार, धरती पर पैदा हुए इसीलिए समाज को गंदा करने के लिए? ऐसा है ना कि और कुछ काम नहीं है? नहीं और कुछ काम नहीं है? 7 साल में आप कुछ नहीं कर पाया? समाज अपने आप को खुद गंदा कर रही है, अपने आप को समाज खुद गंदा। आप भी दोषी हो? हम दोषी नहीं है? आप भी दोषी हो? आप जैसे जितने भी अश्लील हैं सब दोषी हैं और सब जिम्मेदार हैं अपने समाज को गंदा करने के लिए। सुनिए पहले मेरा बात सुनिए, समाज अगर ना, मैं तो 7 साल से कह रहा हूँ, भोजपुरी आज कितने 1963 बोल रहे हैं ना, हाँ, पहली फिल्म बनी थी, आज भोजपुरी कितने खेसारी स्टार्ट किए हैं, तब से अश्लीलता फैलना स्टार्ट हुई है। अश्लीलता अगर खत्म होना होता तो अश्लीलता कब का खत्म हो गया? लेकिन अश्लीलता खत्म नहीं हुई, अश्लीलता इस समय चरम पे है, और अश्लीलता बिना कोई बिल्कुल नहीं, अश्लील का दौर चल रहा है, अश्लील का दौर है। बिना जनता अगर चाहेगी तभी अश्लीलता खत्म होगी, और कोई नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। क्या करें आप जैसे सिंगरों को पकड़ के जेल में घुसना या पिटाई शुरू करें, बताइए क्या करें? नहीं आप बताइए क्या क्या किया जाए, बताइए। जो जेल में डाल रहा है वो भी अश्लील सुन रहा है, तो जेल में नहीं, नहीं, वो जब, भी अश्लील जब सारे अश्लीलों को जेल में ठूस दें, कोई बचेगा ही नहीं अश्लील गाने वाला। जेल में भी अश्लील बज रहा है, जेल में भी जो डालेगा वो भी अश्लील सुन रहा है। जेल में कहाँ अश्लील बज रहा है? फोन लेके उससे बैठे हम आर्मी का दौर दौड़े हैं, आर्मी का रैली भर्ती देखे हैं, आर्मी के रैली में भोजपुरी गाने बजे हैं, गलत गलत गाने बजे हैं। आप कैसे कह रहे नहीं बज रहा है? हम नहीं करे, अरे हमने कब कहा नहीं बज रहा हूँ, तो करे दौर चल रहा है, दौर चला तो बज रहा है, अश्लीलता का दौर है, सब सुन रहा है। जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक अश्लीलता नहीं बंद होगा, मेरे आपके कहने से बंद हो जाएगा अश्लीलता? चंदन चंचल को जानते हैं आप ना? कौन नहीं जानता ना, उसी के तो सब चर्चा करते हैं। जोड़ी चटना, जोड़ी चटना, 1 2 3 4 चार है, पांचवे का तैयारी हो रहा है। आप सुने गाना ना, वायरल हुआ है ना, जानते हैं चर्चा, आप बोले ना चर्चा हो रहा है ना, बिल्कुल। यार हम चलते रास्ते जा रहे हैं, डीजे बज रहा है, बज रहा है ना, सुने है ना, बिल्कुल। बंद नहीं किया ना, बंद नहीं किया ना, हम चले जाते हैं, हम क्या करेंगे, चले जाते हैं। वायरल हुआ है ना साफ गाना, कितना वायरल हुआ इस साल, कितने गाने साफ वायरल हुए बताइए, मतलब पब्लिक 100 गाने वायरल हुए हैं अश्लील, एक भी गाने नहीं अच्छे वायरल हुए हैं, एक भी गाने बता दीजिए हमको, एक अच्छे गाने नहीं वायरल, एक भी वायरल। अच्छा जो उस समय नवरात्र का जब समय होता है उस समय भक्ति गाने चलते हैं, नहीं वायरल होते हैं वो गाने? हम भी गाए थे, हम भी गाए थे, हम भी गाए थे, हम भी नवरात्र में भक्ति गाने गए थे, और भक्ति गाने मेरे एक भी नहीं ऐसे जो गलत आप बोल देंगे, एक शब्द जो भक्ति देवी गीत में लोग कहते हैं चौमिन चटा दे, ई चटा दे, ऊ चटा दे, लेकिन हम साफ सुथरा भजन जो होता है वो गाया हूँ, कोई नहीं सुनता है, एक भी गाना वायरल नहीं होता है।
गाना वही वायरल होता है जो अश्लील होता है। शुरुआत किसने किया है सर? अच्छा, लेकिन सुधरेंगे नहीं, एक सेकंड, ये गलत है, ठीक है, मतलब इनको गलत बताकर आप गलती करेंगे, ये गलत है, जान रहे आप, ये गलत हम जान रहे इनको, गलत गलत बताकर आप भी गलत करेंगे। हम जान रहे हैं कि ये गलत है, मोटा सा चैन पहन लिया अश्लील बनने के बाद, तो हम भी मोटा सा चैन पहनना चाहेंगे ना अश्लील बन के। अब जब अच्छा गा के हम वो धागा नहीं होता वो नहीं पहन पा रहे हैं, तो कहाँ से हम साफ सुथरा गाएंगे? जब वो अश्लील बन के इतना अच्छा काम कर रहे, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं अश्लील बन के, तो हम भी अश्लील बन रहे हैं। अच्छा, आप जो गनवा गाते हैं आपके घरों वाले भी आपकी माँ बहन? हाँ, हम शेयर किए हैं, सबको शेयर किए हैं, क्योंकि पब्लिक में हमारे घर के लोग भी आते हैं ना, सब लोग सुनते हैं, सब लोग बंद कर देंगे। हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अश्लीलता बंद हो, लेकिन अश्लीलता बंद कब हो रहा है? अश्लीलता बंद हो जाता है तो सही गाने लोग सुनते हैं, हम भी सही गाने गाते हैं। हम पहली बार अश्लील गाए हैं और अब गाएंगे, क्योंकि सब अश्लील सुनते हैं। जिस दिन अश्लीलता बंद हो जाएगी उस दिन हम भी बंद कर देंगे। मतलब जेल में जाने के बाद ही लगता है सुधरोगे, ऐसे नहीं सुधरोगे? जेल में जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, जाएंगे, वो भी इंसान के लिए जेल है, गलत जो कर रहा है वो जेल में जा रहा है, तो हम भी जाएंगे, जाएंगे जेल में। जेल में जाने से क्या होगा, जेल में जाएंगे फिर निकलेंगे बाहर। हम जेल जाएंगे, खेसारी भी जेल जाएंगे, सबसे बड़ा पवन भी जेल जाएंगे, बिल्कुल हमारे पवन थोड़ी नहीं, सब दिनेश लाल यादव भी जाएंगे, सांसद हैं, इतने बड़े मंत्री हैं, समर सिंह जाएंगे, रितेश जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। तो भोजपुरी बंद हो गई, जब ये लोग जेल में रहेंगे तो गाएगा कौन? आप गाएंगे पत्रकारिता में? कोई अच्छा नहीं गाएगा, अश्लील अश्लीलता चला रहेगा, कोई जेल में नहीं जाएगा। कितनों को जेल, किसको जेल हुआ है मुझे बताइए तो? खेसारी से बड़ा अश्लील कौन है, कोई है? खेसारी से बड़ा चाची के बाची सपनवा में आती है, विवाद हुआ था काफी ज्यादा, विवाद हुआ था ना। तो ये क्या है? अभी पवन सिंह होली में गाए, पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं, सब बोलते हैं कि पवन सिंह सरस्वती का वास है उनके ऊपर, क्या गाए पता है आपको? नहीं, साली जी के काट ल, अब भौजी के चाट ल, का चाट ल, का काट ल, पूछा जाए के का काट ल, का चाट ल, बताइए आप। हम सुनबे नहीं कि हम कैसे जाने, हम सुना रहे हैं आपको, हम सुना रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगा, क्या चाटने काटने कर रहे हैं, क्या लगा आपको? आप 2 इंच बढ़ जाए, अश्लीलता जा रहे हैं, हम तो अश्लील जा रहे हैं, क्योंकि हम अश्लील, आप बोले हम अश्लील है तो हम अश्लील जानते हैं। 2 इंच बढ़ जाए, 2 इंच कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है 2 इंच? कितने लोग 2 इंच बढ़ा दिए गाना सुन बताइए। धोड़ी अभी अंतरा सिंह गाई है, वो तो धोड़ी चटना गाई थी, और अंतरा सिंह गाई है कि पी के बवंडर कहले बा, धुनिया की खोद के समुंदर कहले बा, बताबा बताइए। मतलब एक दूसरे को देखकर जो गलत है उसी को बताकर अपने आप को बचाओ करना, नहीं अपने आप को बचाओ करना, सुनिए बचाओ नहीं गलत है, अपने आप को बचाओ नहीं करना, बचाओ नहीं करना, हमको ये बताना है कि अश्लीलता से आप पावर, पैसा, गाड़ी सब कुछ पा सकते हैं, अश्लीलता से आप अच्छा करेंगे कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं। आप घर में रहेंगे, बगल में रहेंगे, बगल में गाएंगे, साला इतना दिन से गावे तो चूतिया कुछ ना कर पावे, तो अभी अश्लील से आप वायरल हो जाएंगे, सब बोलेंगे देखला कई दे ले फॉर्चूनर से घूमत बा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा काम करने से कोई कुछ नहीं पूछेगा आपको, आपके घर के लोग नहीं पूछेंगे, बोलेंगे इतना दिन से खा रहा है चूतिया, फालतू का बैठ के खाता है। अश्लील से आप कोई गाड़ी खरीद लिए, उसी गाड़ी में बैठ के घूमेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि अश्लील गा के आया, कभी नहीं कहेंगे। हम सुधरे थे लेकिन अब नहीं सुधरेंगे, जब तक कि भोजपुरी से नामो निशान नहीं मिट जाएगा अश्लीलता का, जब तक ये बड़े बड़े जो हैं पवन सिंह खेसारी ये सब अश्लीलता फैलाते रहेंगे, जो स्टार बन के घूम रहे हैं, इनको जब तक जेल में बंद नहीं किया जाएगा, इनका अश्लीलता नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी गाना गाते रहेंगे। लो अभी होने बाद मेरा गाना एक आ रहा है, लेकिन मैं मैटर नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैटर वो चोरी हो जाएगा, वो भी अगर आपको समय मिलेगा आके इंटरव्यू ले लीजिएगा, वो भी गाना वही गाऊंगा मैं जो अश्लीलता आपको नजर आएगा उसमें, खुल्ला गाऊंगा। देखो ये खुल्ला इसे चैलेंज कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही तरीका है, बस एक ही तरीका है, पिछवाड़े पे लठ पड़े और घुसा दो सलाखे के सलाखों के पीछे, तमाम ऐसे ही नहीं, नहीं हम कर रहे हैं, देखिए हम आपको ही नहीं कर रहे हैं, पूरे सिंगर जितने भी हैं, जितने भी हैं, गाना गाने के लिए आप लोग आ जाइएगा माइक लेके। हाँ बिल्कुल, चलिए भजन होगा, फिर भजन होगा, अगर ऐसे लोगों को, आपके घर पूजा पाठ होता है? हमारे घर हाँ कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, आस पास बहुत लोगों के घर पूजा पाठ होता होगा, वहाँ पे गाना बजता है भक्ति गाना, एक आधा बजेगा, एक अंतरा भी नहीं बजेगा, मुखड़ा नहीं बजेगा, तुरंत भोजपुरी गाना या बॉलीवुड कोई भी गाना बज के डांस होने लगता है। हमने आपको सिर्फ दोषी बताया, ये समाज भी दोषी है, ये गाने वाले भी दोषी हैं। सबसे बड़ा दोष समाज का है, हम सीधे बोल रहे हैं, सब बोलते हैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन मेरी भगवान है, सब मानता है, सब भगवान है, आपको जो पैसा खाना दे रहा है वो भगवान हो ही गया आपके लिए, लेकिन जनता जनार्दन सुन रही है तभी आप गा रहे हैं। जनता जनार्दन जिस दिन चार्ज, सुनिए जिस दिन चार्ज आएगी कि हमको नहीं सुनना है ना, उस दिन कोई नहीं गाएगा भोजपुरी का गाना, भोजपुरी हो चाहे बॉलीवुड, कोई नहीं गाएगा। मतलब यार मैं कह रहा हूँ कि जब परोसा ना जाए तो खाएगा कहाँ से इंसान, ये बताइए कहाँ परोस रहे हैं, मत परोसिए ना,
परोसबे मत कीजिए, खाएगा कहां से। एक काम करिए ना, आप यहां से माइक लेके स्टार्ट करिए, पूरे भारत का भ्रमण करिए, सब सिंगरों को बोलिए कि आप मत करिए, मत परोसिए, मत परोसिए, मत, कितने लोग को परोसेंगे। इससे अच्छा कि जनता, जनता सबसे ज्यादा, सिंगर से ज्यादा जनता है कि जनता से ज्यादा सिंगर है, कि जनता से सिंगर है कि सिंगर से जनता, ये बताइए हमें। जनता सिंगर है तो जनता चाहेगी तो बंद हो जाएगा अश्लीलता, ठीक है। जनता से, जनता चाहेगी तो अश्लीलता बंद हो जाएगी, लेकिन सिंगर से चाहने से कुछ नहीं होगा। आप गाने से मानेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, सुधरना आपको है। सीधी सी बात ये है कि आपको सुधरना ही नहीं, सुधरेंगे ऐसे जो भी लोग हैं ये नहीं सुधरेंगे। ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं, जब ये गाना गाते हैं अश्लील तो सबसे पहले अपने घर में शेयर करते हैं कि दीदी बहनी अम्मा एक शेयर करा उरो वीडियो बा, ये हम ये गाय है एक लोग पसंद करते हैं, तो ठीक है ये लोग नहीं सुधरेंगे, सुधरना आप लोगों को है। बाकी भाई निवेदन हमारा सरकार से रहेगा कि नेहा सिंह राठौर 2, 3, 4 ये भी सब है, इन लोगों को भी ध्यान दीजिए थोड़ा, और ऐसे लोगों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को देख कर ये दूसरे का जब देखते हैं कि तो आगे बढ़ गया गंदा गाकर, तो भैया हम कहे नहीं गाएं, बिल्कुल इसलिए नहीं सुधरेंगे। इनके ऊपर बस एक ही प्रक्रिया बची। सुनिए, गंदा गाना गा के जब वो देश को सुधारने में लगे हैं, गंदा गा गा के सांसद बन के बैठे हैं, तो उनको बोलने नहीं गए आप कभी कि आप जो है इतना गंदा अश्लीलता फैला के भोजपुरी में आप जाके देश को सुधारने के लिए बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, आपने नाम भी गिनवा दिया और सारे लोगों को नाम भी पता है। अच्छा अच्छा नहीं लग रहा। अगर मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी सवाल करूंगा। सवाल करिए, बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिलेगा तो बिल्कुल उनको भी जेल में डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिला तो मैं उनसे भी सवाल कर दूंगा कि आप ही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी ऐसे तमाम ऐसे इस तरीके से अश्लील कर करके आज राजनीति में, राजनीति भी कर रहे हैं, सांसद विधायक चुने जा रहे हैं ऐसे ऐसे लोग, तो भैया शुरुआत आप लोगों ने ही किया है, जैसा कि ये लोग कहते हैं और सही भी बात है कि शुरुआत आप लोगों ने किया है, और अश्लील कर करके आज कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसा नए नए जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी अश्लील कर लें, हम भी अपने समाज को इसी तरीके से गंदा करते रहेंगे, हम भी आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, क्या हो रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि इस अश्लीलता के चलते तमाम ऐसे कांड हैं जो इसी अश्लील चीज़ों के चलते हो रहे हैं। यही अश्लील गाने बजा के ना सबके, जो आप बॉलीवुड का हो चाहे भोजपुरी हो, सब गाने सब लोग सुनते हैं, चाहे किसी को भोजपुरी नहीं पसंद होता, किसी को बॉलीवुड पसंद होता है, सबके घर की बहन बेटियां डांस करती है ना गानों पे, नहीं करती है? हाँ, करती है ना, तो इसके कारण कैसे हो रहा, तो उनका भी तो दोष है, क्यों कर रही है डांस, क्यों कर रही है, नहीं करना चाहिए डांस ना, बंद करना, उसका विरोध करना चाहिए ना, गाने बंद कर दो एकदम से, बस भजन आना चाहिए और कोई गाना आना ही नहीं, भजन नहीं, तमाम ऐसे गीत है, तमाम ऐसे गीत है, भजन के अलावा बॉलीवुड सुनिए, भोजपुरी में भी तमाम ऐसे गीत है, मेरी बात सुनिए, डीजे पर बचा कर आप नाच सकते हैं, बॉलीवुड के गाने आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं साफ सुथरे, लेकिन वीडियो देखने लायक होता है? वीडियो देखते हैं आप बॉलीवुड के? गाने साफ सुथरे रहेंगे, सब साफ सुथरे, वीडियो देखेंगे आप? मतलब एक दूसरे को गलत बताकर हमको भी गलत करना है, यही आप पूरा निश्चय कर लिए हैं? आप सुनिए पहले, जब गलत से आपको फायदा मिलेगा तो आप गलत करेंगे ना, तो किसी भी स्तर तक चले जाएंगे अगर गलत करना पड़े तो? जब इंसान मजबूर हो जाता है ना तो गलत करता है, क्या करेगा, मजबूर हो जाता है, घर वाले ही, बगल वाले ही कहेंगे कि साला चूतिया इतना दिन से गा रहा है कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे वो? अच्छा, करना पड़ेगा कुछ, अच्छा करके अच्छा नहीं हो सकता? नहीं हो रहा है, कहाँ हुआ, किसका हुआ है जरा बताइए मुझे, कोई हो जो ऐसा अच्छा गा के हुआ हो? नहीं, गाने के अलावा और तमाम फील्ड है, कुछ अच्छा करने के बाद अच्छा तो नहीं होता, अलग अलग फील्ड रहता है, तो आपका जो फील्ड आप कर रहे हैं, मेरा जो फील्ड मैं कर रहा हूँ, अलग फील्ड कैसे चुन सकता है इंसान, जिसके मन में जो आता है वही करेगा ना, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका अलग अलग फील्ड होगा ना, उनको सोच होगा कि हम ये करेंगे आगे जाके, मेरा जो सोच रहता है मैं वो कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, इनसे बातचीत हुई, बातचीत के दौरान आप लोगों को क्या लगा बताइएगा, गाने वाला यहीं से कह रहे थे, गाने वाला गलत है कि सुनने वाला, वो ऊपर बैठे, बताओ गाने वाला गलत है कि सुनने वाला गलत है, बताओ तो, बताओ पहाड़ पे बैठे वाला गलत, सुनने वाला गलत, सुनने वाला गलत है, कौन गलत है भैया इधर बताओ, कौन गलत है, सुनने वाला? अच्छा, अगर गाना ही ना गाया जाए तो सुनने को कहाँ से मिलेगा, पब्लिक डिमांड ही नहीं करेगी सिंगर गाएगा, पब्लिक डिमांड करती है, पब्लिक को और कुछ डिमांड कर देगी, कर देंगे, चलिए डिमांड जो करेगी वो करेंगे, बताइए आइए कह रहे थे, बताओ कौन दोषी है, कौन दोषी? दोषी तो सभी है, जो सुनता है वो भी दोषी है, जो गाता है ये सही है, गाए ही ना तो जब जाहिर सी बात है, जो कोई गाएगा नहीं कोई सुनेगा भी नहीं, तो सबसे पहले तो गाने वाला दोषी है, गाने वाला ही दोषी है और सुनने वाला भी दोषी, क्योंकि भैया देखिए अगर अगला गाना गा रहा है तो जनता सुनेगी, जनता सुन रही तो ही वो गा रहा है,
जनता जब सुन रही है उसके गाने को पसंद कर रही तभी वो गा रहा है ना, अभी तो गा नहीं रहा है। ये युवा पीढ़ी है, ये हमारे देश के भविष्य है, इनको कोई चिंता नहीं। अभी कह रहे हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं, वो गाएंगे तो हम सुनेंगे, और हम सुनेंगे तो हम ही दोषी है, गाने वाला ना ही दोषी है।